प्रसून एग्रो कुल्लू, हर पावर टिलर की खरीदारी पर वॉशिंग मशीन एलईडी टीवी फ्री। कुल्लू में जो महिलाएं दशहरा के उत्सव में स्थानीय व्यंजन तैयार करती हैं, ऐसी सब महिलाओं ने दशहरा उत्सव समिति और उपायुक्त के सामने जाकर के विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने ये कहा कि दशहरा उत्सव समिति ने पहले तो ये कहा कि स्थानीय व्यंजनों को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमसे जमीन का किराया अलग लिया गया, बिजली का पैसा अलग लिया गया, पानी का पैसा अलग लिया गया, और उसके अतिरिक्त जो कनोपीज लगाई गई उनका अतिरिक्त पैसा और लिया गया, जो कि एक बड़ी भारी राशि बनती है। और फिर जब ये कहा गया था कि इतने तक पैसा देना वो दिया, और अब उन सबसे 8,000 रुपये और अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है, और उनसे कुछ महिलाओं ने तो रोते हुए ये कहा कि हमारी कमाई हो नहीं पाई, ये पैसा हम देंगे कहां से, और इतने लोग आए नहीं। साथियों, मैं कहूंगा कि ये स्थानीय महिलाएं और स्थानीय फूड संचालकों के साथ धोखा किया है। और इस बार के दशहरा उत्सव समिति ने बड़ी भारी फिजूल खर्ची की है, और फिजूल खर्ची के कारण से सभी के सभी स्टॉल बहुत महंगे किए गए, और उसके कारण से व्यापारी कम आए, व्यापारी लाभ कमा नहीं पाए। और यदि जिन लोगों ने खरीदारी की है तो सामान इतना महंगा हुआ, और जिसके कारण से आम जनता की जेब पर डाका डाला गया है, आम जनता की जेब से पैसा निकाला गया है, इस प्रकार की भारी अव्यवस्था व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुल्लू के दशहरा में हुई है, और अनेक प्रकार की अनियमितताएं हुई है। कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा कि इतनी फिजूल खर्ची के कारण से कुल्लू के लोगों की जेब से पैसा निकला, और जिस पैसे पर वो जो ऐशो आराम करते रहे।